सब्सक्राइब करें अन्नपूर्णा रसोई चैनल को और बेल बटन को दबाएं हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा रसोई चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ मसाला गट्टक नमकीन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स है जो हमारे घर में आसानी से मिल जाते हैं। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं गट्टा नमकीन। गट्टा नमकीन बनाने के लिए मैंने ये वाले 2 कप बेसन लिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, नमक डाल देंगे टेस्ट अनुसार, आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक रख सकते हैं कम या ज़्यादा। लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, हल्दी डालेंगे 1/4 चम्मच, कूटा हुआ धनिया, मैंने साबुत धनिया 1.5 चम्मच लेके उसको कूट के डाला है, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। मैंने 5 लोगों को कूट लिया है, उसका पाउडर बना के मैं इसमें डाल रही हूँ। 1 चम्मच जीरा डालेंगे, अजवाइन डालेंगे 1 चम्मच और 1.5 चम्मच कसूरी मेथी को हाथ से इस तरह से क्रश करते हुए डालेंगे। काली मिर्च का पाउडर डालेंगे 1/4 चम्मच के करीब, आप 5-7 काली मिर्च कूट के भी डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच हम हींग डाल देंगे। अब हम इसमें तेल डालेंगे, जिस चम्मच से हमने मसाले डाले हैं वही चम्मच हम 5 चम्मच इसके अंदर तेल डाल देंगे। बेकिंग सोडा डाल देंगे 1/4 चम्मच। अब हम सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, आप जरूर बनाएं गट्टा नमकीन। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका डो बना लेंगे। हमें डो ना तो ज़्यादा पतला बनाना है और ना ही ज़्यादा टाइट बनाना है। जैसा हम चपाती के लिए आटा लगाते हैं वैसा ही हमें आटा लगाना है। देखिए फ्रेंड, मैंने आटा लगा लिया है। अब हम हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसे अच्छे से मसल देंगे। अच्छे से मसलने के बाद इसे 5 मिनट तक हम रेस्ट के लिए रखेंगे, उसके बाद में हम गट्टा नमकीन बनाना शुरू करेंगे। देखिए अब हम 5 मिनट तक इसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। देखिए 5 मिनट हो गए हैं, छोटी सी लोई लेंगे और हाथ से इस तरह से हम इसको वापस से मसल लेंगे और चॉपिंग बोर्ड पे इस तरह से गट्टे की शेप देंगे। गट्टे छोटे बड़े मोटे पतले आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। मैं मीडियम साइज के गट्टे बनाऊंगी। देखिए बना लिया है, अब हम इसको कट कर देंगे, आगे से कट करके हटा देंगे और मीडियम साइज के गट्टे हम काट लेंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, आप सुबह शाम की चाय में भी इसे खा सकते हैं, कोई गेस्ट आए तब भी बना के खा सकते हैं, उनके सामने सर्व भी कर सकते हैं, सफर में भी आप इसे बना के ले जा सकते हैं और स्टोर करके भी आप इसे रख सकते हैं 1.5 से 2 महीने तक, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। और बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी नमकीन आप अपने घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बना सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए मैं दूसरे वाला गट्टा भी हम काट लेंगे। आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स, आपको सभी को काफ़ी पसंद आएगा खाने में ये। इसी तरह हम सारे गट्टे बना के तैयार कर लेंगे। देखिए मैंने सारे गट्टे बना लिए हैं, तेल मैंने गर्म करना रख दिया है। तेल हमें ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, मीडियम सा गर्म चाहिए। डो डाल के हम थोड़ा सा देख लेंगे, तेल हमारा मीडियम सा गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर छलनी के अंदर गट्टे डाल के इस तरह से तेल के अंदर डाल देंगे, इससे हमारा फ्रेंड्स गट्टों को हमें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ये ऊपर अपने आप आ जाएंगे फ्राई होके। आप देख सकते हैं ये अपने आप ऊपर तैरने लगे हैं। अब हम गट्टों को पलट देंगे और इनको हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। एक
एक बार के गट्टों को फ्राई होने में 7 से 8 मिनट लगते हैं फ्रेंड्स, और आप गट्टे धीमी आंच पे ही फ्राई करें क्योंकि ये थोड़े मोटे हैं तो अंदर से अच्छे से सिक जाएंगे अगर आप धीमी आंच पे फ्राई करेंगे। अगर आप तेज आंच पे फ्राई करेंगे एक तो गट्टा अंदर से सिकेगा भी नहीं और जल जाएगा और इनका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा, इसलिए हमें गट्टों को फ्राई बिल्कुल धीमी आंच पे करना है। आप देख सकते हैं गट्टों का कलर चेंज हो गया है, ये बिल्कुल फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर। सफर के लिए ये बहुत ही टेस्टी नमकीन है फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। दूसरी बार के गट्टे भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें हमारी आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए। और फ्रेंड्स कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। देखिए ये गट्टे भी हमारे फ्राई हो गए हैं, इनको भी हम निकाल लेंगे और बहुत ही टेस्टी नमकीन हम घर में ही बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे, हमने सारे गट्टे फ्राई कर लिए हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर लग रहे हैं और ये साइज़ में पहले से बड़े भी हो गए हैं। फ्रेंड्स ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे हम नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।